नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डबरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टीकुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से आठवीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विद 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अलरपट्टी, नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेन्स वियर, गर्ल्स वियर, सारीज एंड किड्स वियर। COVID-19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, 45 से ऊपर के सह रुग्णता वाले एवं 60 वर्ष से ऊपर वाले को लग रहा टीका। 31 मार्च तक आयुष्मान भारत के तहत बनेगा गोल्डन कार्ड। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 340। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग, वह भी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला डैडीज रेस्टोरेंट। जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। HRMS को लेकर हुई बैठक, सेवा पुस्तक का किया जा रहा है डिजिटाइजेशन। पेंशन धारियों को ससमय पेंशन लाभ देना हमारा परम कर्तव्य, बोली प्रतिकुलपति। भारतीय दर्शन को मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। SSP की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग हुई आयोजित। और सोना हुआ धड़ाम, 43,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई कीमत। और समाचार अब विस्तार से। COVID-19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, 45 से ऊपर के सह रुग्णता वाले एवं 60 वर्ष से ऊपर वालों को लग रहा टीका। COVID-19 टीकाकरण को लेकर हुई बैठक, 45 से ऊपर के सह रुग्णता वाले व 60 वर्ष से ऊपर वालों को लग रहा टीका। अंबेडकर सभागार में COVID-19 टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि तृतीय चरण का टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले एवं 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के कोमोरबिडिटी सह रुग्णता वाले व्यक्ति का टीकाकरण किया जा रहा है। सह रुग्णता में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, लीवर और किडनी से संबंधित बीमारी, थैलेसीमिया, मेजर एप्लाटिक एमेनिया, बोन मेरो फेल्योर, स्किल सेल डिजीज, लिफोमा, ल्यूकेमिया, मालोमाय, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दिव्यांग, श्वसन रोग एवं दिल की बीमारी सहित कई रोग शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2-2 सेशन साइट बनाया गया है। टीकाकरण के लिए उपरोक्त ग्रुप के कोई भी व्यक्ति स्वयं कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण की सुविधा सेशन साइट पर भी उपलब्ध है। इसके लिए लाभार्थी को अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर लेकर आना होगा। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा कि आज ही सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लें तथा आम लोगों में टीकाकरण हेतु जागरूकता लाई जाए। 31 मार्च तक आयुष्मान भारत के तहत बनेगा गोल्डन कार्ड।
31 मार्च तक आयुष्मान भारत के तहत बनेगा गोल्डन कार्ड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार या व्यक्ति का 100% आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जाने के लक्ष्य को लेकर राज्य में आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन सभी जिलों के ग्राम पंचायतों में 17 फरवरी से 3 मार्च तक किया गया था। अपर सचिव स्वास्थ्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति पटना के द्वारा वर्तमान में आयुष्मान पखवाड़ा आयोजन की सीमा 31 मार्च 2021 तक विस्तारित की गई है। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 262,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 340। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 262,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 340। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 262,118 पर पहुंच गई है। सबसे अधिक पटना में 15, औरंगाबाद में 1, भागलपुर में 2, भोजपुर में 1, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 1, जमुई में 1, कटिहार में 2, मधुबनी में 4, मुजफ्फरपुर में 2, समस्तीपुर में 3, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 1 और सुपौल में कोरोना का 1 नया मरीज मिला है। दरभंगा में भी बड़ी संख्या मिले 3 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं और इन 3 नए मरीजों के मिलने के साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। नल जल योजना को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। अम्बेडकर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में नल जल योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में ऑनलाइन उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रभारी डीएम ने कहा कि विभागीय निर्देश के अनुसार अपूर्ण योजना के लिए 31 मार्च 2021 के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जिन पंचायतों में कार्य अपूर्ण या प्रगति धीमी है, वे अगले एक सप्ताह में कार्य पूर्ण करा लें। विगत दिनों में जिन अपूर्ण योजनाओं में राशि की निकासी कर ली गई है लेकिन कार्य नहीं हुआ या काफ़ी कम हुआ है, उनके लिए संबंधित जिम्मेवार को 10 दिनों का समय देने एवं तत्पश्चात कार्रवाई करने का निर्देश कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया था, लेकिन अभी भी कई मामलों में जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसी योजनाओं में कार्रवाई कर ली जाए। अभी HRMS में जो ऑनलाइन एंट्री चल रही है, पंचायत इलेक्शन और नल जल समीक्षा की गई, इसमें नल जल योजनाओं को पूर्ण कराने और जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर करके MB को करवा कर उसको पूरा कंप्लीट किया जाए हर हाल में अगले एक सप्ताह में। और इसके अलावा जो पंचायत इलेक्शन में जो लेटर्स आए हैं, जो ब्लॉक्स में जो भी काम हो रहा है उसकी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिया। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईडीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। GD इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईडीप टॉयलेट क्लीनर, हाईडीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईडीप ब्लैक फिनाइल आ हाईडीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन, तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो GD इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर, ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 और 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें।
कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ नाका 5 के निकट उमा सिनेमा के सामने दरभंगा और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट जेईई मेन एंड एडवांस प्लस टू बोर्ड प्री फाउंडेशन 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी केवीपीवाई ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोविड 19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक। 45 से ऊपर के सह रुग्णता वाले एवं 60 वर्ष से ऊपर वाले को लग रहा टीका। 31 मार्च तक आयुष्मान भारत के तहत बनेगा गोल्डन कार्ड। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 340। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग, वह भी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला डैडीज रेस्टोरेंट। जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। एचआरएमएस को लेकर हुई बैठक, सेवा पुस्त का किया जा रहा है डिजिटाइजेशन। पेंशनधारियों को ससमय पेंशन लाभ देना हमारा परम कर्तव्य, बोली प्रति कुलपति। भारतीय दर्शन को मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। एसएसपी की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग हुई आयोजित। और सोना हुआ धड़ाम, 43,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई कीमत। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग, वह भी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। दरभंगा के मिर्जापुर में पेंटालोन शोरूम के बगल में खुला डैडीज रेस्टोरेंट। बिताइए सुकून के पल, वह भी एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। दरभंगा में खुला डैडी रेस्टोरेंट्स। दरभंगा शहर के बीचों बीच मिर्जापुर में अवस्थित पेंटालोन शोरूम के बगल में डैडी रेस्टोरेंट्स की भव्य शुरुआत हुई शुक्रवार को। फैमिली रेस्टोरेंट हाईटेक डेकोरेशन के साथ खाने की गुणवत्ता भी काफ़ी बेहतरीन रखेगा, यह विश्वास दिलाया प्रोप्राइटर्स ने। मॉकटेल की फैसिलिटी और सभी तरह के खानों की उपलब्धता होगी। चाइनीज फूड, तंदूरी आइटम, वेज नॉनवेज, महानगरों जैसा खाना दरभंगा शहर में भी डैडीज रेस्टोरेंट में आप उचित दाम में अच्छे स्वाद के साथ खा सकते हैं। डैडी रेस्टोरेंट का फीता जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जयशंकर झा के द्वारा काटकर इसका उद्घाटन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इसका शुभारंभ किया डॉक्टर जयशंकर झा ने। रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर भास्कर झा ने बताया कि हमारे रेस्टोरेंट में अनेकों प्रकार के व्यंजन हैं। उनकी कोशिश होगी कि अपने रेस्टोरेंट में जो भी ग्राहक आएँ उनका पूरा ख्याल रखें और उचित कीमत में उन्हें खाना परोसें। वहीं सोनिका झा ने बताया कि दरभंगा में अपने तरह का यह अकेला फैमिली रेस्टोरेंट होगा, जहां आप कोई भी अलग आयोजन बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं। यहां पर बेहतरीन खाने के स्वाद का लुत्फ भी उठा सकते हैं और अपने आयोजन को बना सकते हैं यादगार। मैं, यह एक नया उपक्रम है और मुझे प्रसन्नता है, यह मेरे समीप में ही मुख्य मार्ग पर यह भव्य रूप से भास्कर जी ने यह बहुत ही अच्छा उपक्रम किया है। निश्चय ही घर से जो दूर हैं उनको घर जैसा अनुभव लगेगा, उतना ही इलेक्शन यहाँ स्वादिष्ट भोजन सबों को उपलब्ध करा पाएंगे जो आपके यहाँ आएंगे। इनके इस आरंभ के लिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि अयम आरंभ शुभाय भवतु। इस आरंभ से इनके सारे मनोरथ भी फलित हों और जो इनके कस्टमर होंगे, जो यहाँ आएंगे, उनको भी बहुत ही उनके पैसे का समुचित रिटर्न भी मिलेगा, उनको संतुष्टि बहुत होगी। मैं तो बस सब पूरे दरभंगा वासियों से यही आग्रह करूँगा कि एक बार हमारे इस रेस्टोरेंट में आकर के इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेस्ट है वो आकर के देखें और एक बार जो है आशीर्वाद का मौका जरूर दें, ताकि जो भी हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट में करने की कोशिश किया है। ये टोटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने सर्वर से जोड़ा है। दरभंगा में शायद ही मतलब कोई रेस्टोरेंट है जो टैबलेट से ऑर्डरिंग बुकिंग होता है, कैप्टन जो बुक करते हैं ऑर्डर जो बुक करते हैं वो टैबलेट्स के थ्रू हमारा जो है यहाँ पर है, सर्वर से जुड़ा हुआ है। कोई भी मतलब पेन और पेपर से यहाँ काम
मतलब नहीं होगा। डिजिटलाइजेशन का ख्याल रखा गया अभी तक का, अब आगे भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा मतलब जो जितना भी कस्टमर को सर्विस दे सकें। यहाँ हमने वाईफाई का पूरा कस्टमर्स के लिए व्यवस्था किया हुआ है कि आकर के बैठ के उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे जो कैप्टन है या जो हमारे वेटर्स हैं वो इस चीज़ को कस्टमर के सामने डिजिटली पेश कर सकें कि जो हमारा मेनू है, जो सर्विसेज है, मेनू में क्या अलग है, क्या चीज़ एडेड है, कौन से आइटम्स में क्या चीज़ ऐड है, ठीक है, वो कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें टैबलेट्स के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पे हमने एक फाइन डाइनिंग का ये किया है जिसमें डिनर और लंच हमारा मेन है। हम यहाँ पे अपना क्वालिटी का पूरा ध्यान रखेंगे और कस्टमर को हमसे कोई शिकायत नहीं हो, उनका डिसिप्लिन का यहाँ पे पूरा ख्याल किया जाएगा और हम लोग अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो, हमारे खाने का जो क्वालिटी हो वो हम पूरा अच्छा देंगे। आइटम में वेज और नॉन वेज हमारा है जिसमें हमने वेज और नॉन वेज दोनों पे ही काम किया है, अच्छा काम किया है। नॉन वेज में भी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो दरभंगा के लिए बहुत ही नया होगा, हमें इसे अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यथास्थान जल संचय योजना, कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बागवानी के अंतर्गत बाग में अंतर्वती जमीन में खेती, मधु उत्पादन आत्मा के अंतर्गत किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, मिट्टी गुणवत्ता जाँच, पौधा संरक्षण, फसल अवशेष प्रबंधन इत्यादि की समीक्षा की गई। पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुओं की चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, मैत्री की बहाली, मुर्गी विकास योजना, बकरी पालन, भैंस पालन की समीक्षा की गई। यथास्थान जल संचय योजना के तहत जिन कृषकों के पास एक एकड़ जमीन एक ही स्थल पर हो वह 10 डिसमिल जमीन में तालाब का निर्माण जल संचय हेतु कर सकते हैं। बताया गया कि 20 मीटर × 20 मीटर क्षेत्रफल का तालाब निर्माण के लिए कृषि विभाग द्वारा 44,820 रुपए प्रदान किया जाता है। इसके लिए 1,200 आवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन अधिकतर आवेदकों की एक एकड़ जमीन का एक प्लॉट न होकर अलग अलग है, जबकि एक एकड़ का एक ही प्लॉट होना चाहिए। जिले के 236 तालाब के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 35 आवेदकों को कार्यादेश निर्गत किया गया है। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमन ने बताया कि कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 149,788 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 122,434 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी 31 पशु चिकित्सालय में 35 प्रकार की दवा उपलब्ध है। विभाग द्वारा दरभंगा जिला के 88,148 पशुओं की चिकित्सा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिनमें से 85,503 पशुओं की चिकित्सा की गई है। 87,234 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया है। प्रत्येक पंचायत में एक मैत्री को रखना था जो उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण लंबित है। दरभंगा जिले के 6.54 लाख पशुओं का ईयर टैगिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 4,74,800 पशुओं का ईयर टैगिंग किया जा चुका है। HRMS को लेकर हुई बैठक, सेवा पुस्तिका किया जा रहा डिजिटाइजेशन। HRMS को लेकर हुई बैठक, सेवा पुस्तिका किया जा रहा है डिजिटाइजेशन। समाहरणालय अवस्थित सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में सभी नियमित कर्मियों का HRMS के अंतर्गत सेवा पुस्तिका ऑनलाइन डिजिटाइजेशन को लेकर समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने नियमित कर्मियों का सेवा पुस्तिका ऑनलाइन एंट्री के अंतर्गत शीघ्र ही करा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी भी दरभंगा के 4,000 कर्मियों के सेवा पुस्तिका की ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं हुई है। इनमें 600 चौकीदार एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अंचल कार्यालयों के कर्मचारी सम्मिलित हैं। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को आज ही अपने कर्मियों एवं चौकीदारों का सेवा पुस्तिका जिला स्थापना शाखा के IT सेल में भेजकर ऑनलाइन प्रविष्टि करा लेने के निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, DCLR, उपनिदेशक जनसंपर्क एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पेंशनधारियों को ससमय पेंशन लाभ देना हमारा परम कर्तव्य, बोली प्रतिकुलपति। पेंशनधारियों को ससमय पेंशन लाभ देना हमारा
परम कर्तव्य, बोली प्रति कुलपति। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के बल पर ही विश्वविद्यालय का अस्तित्व, कहा कुलसचिव ने। सेवांत लाभ सरकारी सेवकों का अधिकार, बोले वित्तीय परामर्शी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय का दायित्व केवल पठन पाठन के लिए माहौल बनाना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की समस्याओं का निदान करना भी इसके कर्तव्य में शामिल है। इसलिए शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें ससमय सेवांत लाभ देना हमारा परम कर्तव्य है। उक्त बातें प्रोफेसर डॉली सिन्हा प्रतिकुलपति मिथिला विश्वविद्यालय ने कही। उन्होंने आज पेंशन अदालत में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से सभी कर्मियों को पेंशनधारियों की समस्याओं को ससमय समाप्त करने हेतु सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील की। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने बाकरगंज लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोविड 19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, 45 से ऊपर के सह रुग्णता वाले एवं 60 वर्ष से ऊपर वाले को लग रहा टीका। 31 मार्च तक आयुष्मान भारत के तहत बनेगा गोल्डन कार्ड। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 340। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग, वह भी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला डैडीज रेस्टोरेंट। जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। HRMS को लेकर हुई बैठक, सेवा पुस्तक का किया जा रहा है डिजिटाइजेशन। पेंशन धारियों को ससमय पेंशन लाभ देना हमारा परम कर्तव्य, बोली प्रतिकुलपति। भारतीय दर्शन को मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। SSP की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग हुई आयोजित। और सोना हुआ धड़ाम, 43,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई कीमत। भारतीय दर्शन को मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। भारतीय दर्शन को मिथिला का योगदान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हुआ। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर शशिनाथ झा कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि, प्रोफेसर डॉली सिन्हा प्रतिकुलपति मिथिला विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उद्घाटन सत्र कुलगीत गायन के साथ प्रारंभ हुआ। SSP की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग आयोजित। क्राइम कंट्रोल मीटिंग का हुआ आयोजन। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में शुक्रवार को किया गया। इस बैठक में सिटी SP अशोक कुमार प्रसाद, सभी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी एवं दरभंगा जिले के सभी थाना क्षेत्रों से आए हुए थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग में SSP बाबूराम ने विभिन्न थानों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की, लंबित कांडों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं आगामी आने वाले पर्व त्योहार को लेकर सचेत एवं सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। और सोना हुआ धड़ाम, 43,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची कीमत। सोना हुआ धड़ाम, जी हां, इस वक्त यह बड़ी खबर सोने को लेकर आ रही है। सोने की कीमतों में आई है भारी कमी। सोने के दाम में उच्चतम स्तर से 13,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। सोने में निवेश करने वालों या फिर सोना खरीदने वालों के लिए यह काफी बड़ी खबर है। इस संबंध में पूछे जाने पर GM रोड दरभंगा में अवस्थित ज्वेलरी के बड़े प्रतिष्ठान दगरू सेठ ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर संतोष लाठ ने बताया कि अब तक सोने की कीमतों में लगातार आई गिरावट के अनुसार सोना अब तक के अपने उच्चतम स्तर से लगभग 13,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। सोने की आज
की कीमत 43,600 रुपए दर्ज की गई है। श्री लाठ ने कहा कि अब तक काफी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके सोने की कीमत में आगे गिरावट आने की संभावना भी काफी कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि रविवार 7 मार्च तक उनके यहां 43,600 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से ही सोने की बिक्री की जाएगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सोने को लेकर है। सोना हुआ धड़ाम, सोने की कीमत में आई उच्चतम स्तर से 13,000 रुपए तक की कमी। देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी के दरमियान काफी रेट सोने का बढ़ गया था और उसके बाद लगातार गिरावट आती जा रही है और इस बार जो ये रेट है वो घट के लगभग 43,600 रुपए पे पहुंच गया है। और जैसा ज्वेलर्स बताते हैं कि अब इससे ज्यादा भाव गिरने की संभावना काफी कम है, तो जिनको भी अभी सोने के जेवर में इन्वेस्ट करना हो या आगे आने वाले लगन की खरीदारी करनी हो, तो हमारे हिसाब से यह सबसे उपयुक्त समय है कि वो अब जेवर की खरीदारी जरूर करें। और अभी आपको खरीदारी करने से ये फायदा भी मिल जाएगा कि कुछ डिस्काउंट भी लेबर पे चलता है, वो भी फायदा मिल जाएगा। अभी अब रविवार तक तो 43,600 के ही रेट में मिलेगा जेवर का रेट, और उसमें मेकिंग में भी डिस्काउंट रहेगा। और मेरे ख्याल से यह उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त समय है कि वो अपने आने वाले लगन की खरीदारी अवश्य करें। ये थे अब तक के समाचार। बिदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोविड 19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, 45 से ऊपर के सह रुग्णता वाले एवं 60 वर्ष से ऊपर वाले को लग रहा टीका। 31 मार्च तक आयुष्मान भारत के तहत बनेगा गोल्डन कार्ड। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 340। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। नल जल योजना को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग, वह भी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला डैडीज रेस्टोरेंट। जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। HRMS को लेकर हुई बैठक, सेवा पुस्तक का किया जा रहा है डिजिटाइजेशन। पेंशनधारियों को ससमय पेंशन लाभ देना हमारा परम कर्तव्य, बोली प्रतिकुलपति। भारतीय दर्शन को मिथिला का योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। SSP की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग हुई आयोजित। और सोना हुआ धड़ाम, 43,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई कीमत। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले शाम में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।